नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम सैर गुरुग्राम की मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सैर कराने लेकर आए हैं राजेंद्रा पार्क में उपहार स्वीट्स एंड बैंक्वेट्स पर, जो कि आपके घर के बिल्कुल नजदीक में खुला है। आप यहां पर आए विजिट करें और आज हम आपको बताएंगे यहां पर कि क्या क्या खास है यहां पर आपके लिए, कॉस्ट इफेक्टिव है और सिटिंग इसकी इनफ है आपके लिए। अगर कोई भी छोटे मोटे फंक्शन या पार्टी या शादी का आपको कुछ भी सेलिब्रेशन यहाँ पर करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए एक विजिट करते हैं, एक टूर करते हैं उपहार स्वीट्स एंड बैंक्वेट्स का। तो आइए बात करते हैं अमन जी से, जो कि अमन जर्नीमैन से हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पर। हेलो अमन जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। अमन जी, बताएंगे आप थोड़ा सा उपहार के बारे में कि किस तरीके से जो है आपने ये जर्नी भी स्टार्ट करी। ये हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट एक साल से होने जा रहा है। और हम लोग ये मल्टीपल आउटलेट्स हैं हमारे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास स्वीट्स है, बेकरी का आइटम्स है और फर्स्ट फ्लोर पे हम अपने पास रेस्टोरेंट है जो फैमिली रेस्टोरेंट है। उसके अंदर हम लोग वेजिटेरियन सिर्फ सर्व कर रहे हैं जी, जिसमें स्ट्रीट फूड भी है और इंडियन फूड भी है, चाइनीज फूड भी है, साउथ इंडियन भी है जी। और उसके अलावा हमारे पास बैंक्वेटिंग है जो सेकंड फ्लोर पे है। बैंक्वेटिंग में हम लोग 200 से 250 बंदों का फंक्शन नॉर्मली कर रहे हैं। तो अभी अगर हम स्नैक्स स्टॉल की बात करें तो ये यूजुअली किस टाइम पे ओपन हो जाता है? ये हमारा सुबह जो आउटलेट है जी, सुबह लगभग हम लोग 9 बजे करीब आउटलेट अपना खोल देते हैं जी। और हमारे चाट जो है, समोसे, पूड़ी, पाव भाजी, ये सब हमारा मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट होता है और शाम तक चलता रहता है। तो अमन जी अंदर भी चलते हैं और कुछ बातें भी करते रहते हैं उपहार के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ बातें भी करते हैं और आपसे शेयर भी करते हैं कि क्या कुछ है उपहार स्वीट्स एंड बैंक्वेट्स में जी। अमन जी, कब स्टार्ट हुआ था उपहार स्वीट्स एंड बैंक्वेट्स? लास्ट अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था जी, और हमने अक्टूबर में दशहरे के आसपास इसको ओपन किया था। उसके बाद अभी तक जर्नी चल रही है और लोगों को पसंद भी आ रहा है और हम लोग क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं जी। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनके हिसाब से जैसे उनको चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं क्वालिटी पे हम लोग पूरा ध्यान दें। तो पहले आपने कोई सर्वे करा था? जैसे आपने बोला है कि आपके काफी आउटलेट्स जो है वो ओपन हुए हैं, आपने जो फूड चेन ओपन करने में आप जो है पूरा सपोर्ट करते हैं, तो इस जर्नी में सबसे पहली चीज होती है कि जो लोकल लोग होते हैं या आसपास के लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? हम लोग जैसे लास्ट 25 इयर्स इस इंडस्ट्री में है जी, और हमारा ये लगभग 1470वां रेस्टोरेंट होगा जो हमने लास्ट ईयर खोला था। ओके, 1470 खोल चुके हैं हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसका हमने पहले सर्वे किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था कि लोकल पब्लिक को क्या चाहिए जी जी, और लोकल की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमने यहाँ का पूरा मेन्यू रखा गया है। तो अभी स्वीट्स पर आते हैं हम, तो स्वीट्स जो है यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है लोगों की, कोई भी खुशी का मौका होता है तो फटाफट से उनको होता है कि आसपास स्वीट्स की शॉप हो एटलीस्ट हमारे। तो क्या ध्यान रखा जाता है स्वीट्स को लेकर यहाँ पर? स्वीट्स एक तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें एकदम प्योर दूध, खोया और क्या बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा है जी। और मतलब कौन सी स्वीट्स कब चलेगी जी, और त्योहारों की स्वीट्स जी, और लोगों को क्या पसंद है, फीडबैक है क्या है, उस हिसाब से हमारी टीम जो है उस पर काम करती है। और हर महीने, हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ नया हम लोग लोगों को देते रहते हैं। तो काफ़ी बार ये भी होता है कि काफ़ी अगर हम हलवाई की बात करें, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, बट वो जो है यूजुअली एक दो दिन तक जो है सेम स्वीट्स ही चलती रहती है, दो तीन दिन तक या हफ्ता ऐसा। तो यहाँ पर क्वालिटी मेजर क्या रखते हैं? यहाँ हर मिठाई की एक शेल्फ लाइफ होती है जी, उसी शेल्फ लाइफ पे काम होती है। कुछ मिठाइयाँ 3 दिन चलती हैं जी, कुछ सेम डे कंज्यूम होनी चाहिए, और कुछ मिठाइयाँ जो है आपकी जैसे पतीसा है और जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, काजू कतली है जी, तो उनके ऊपर आपका सेम वर्कआउट रहता है। हमारा क्वालिटी एश्योरेंस टीम उस पे काम करती है जी, और वो पूरा उस पे मतलब टेस्टिंग पे भी, क्वालिटी पे भी और शेल्फ लाइफ पे काम करती है। तो यहाँ पर मैं केक भी देख रही हूँ, तो केक यहाँ पर आपने बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में रखे हुए हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि जब कोई ऑर्डर आता है तो स्पेसिफिकली हम तभी बनाते हैं केक्स, डेजर्ट्स वगैरह हम लोग क्या बोलते हैं सुबह से बनाते हैं जी, और ऑर्डर पे भी बनाते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं वीकेंड्स पे पूरा ध्यान रखते हैं कि हम लोग गेस्ट को पूरा सर्व कर सके जी जी जी। तो चलिए अमन जी आगे चले, हमें फर्स्ट फ्लोर का भी एक बार टूर कराए कि क्या जी, कुछ जी, है फर्स्ट फ्लोर पर भी। अब हमारे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर क्या कुछ है? फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग फैमिली रेस्टोरेंट है जी, और यहाँ पे हम लोग इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब सर्व करते हैं। तो यहाँ पर अमन जी अगर बात करें तो सिटिंग कितनी है यूजुअली यहाँ पर? सिटिंग जो है हमारी यहाँ पे लगभग 70 की सिटिंग है जी, और वीकेंड्स पे हम लोग इसको बढ़ा भी देते हैं
कुछ स्पेशल रिजर्वेशन कराना पड़ता है अगर कुछ पार्टी थ्रू करनी है, बर्थडे पार्टी हो, सगाई हो, रोका हो, तो कुछ ऐसा हमें क्या पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है या ऑलरेडी अवेलेबल होता है? नहीं, 20 पैक से ऊपर जो वो होता है आपकी गैदरिंग है तो आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है जी। 10 बंदों तक कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा, मतलब हम सेगमेंट की बात करें तो अलग अलग सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस चीज का सेगमेंट है? जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला हमारा कॉकटेल मॉकटेल आइसक्रीम कूलर्स इसका काउंटर है। तो इस पर भी सेम जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि क्वालिटी मेजर वगैरह सारे रखे जाते हैं। बिल्कुल, इस पर भी क्वालिटी मेजर होता है और क्या बोलते हैं, हमारे जो क्वालिटी इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स हैं वो चेक करते रहते हैं कि शेल्फ लाइफ क्या है, क्या ताजा है, क्या पब्लिक को चाहिए, वो क्वालिटी मेजर करके ही हम लोग काम करते हैं। तो हमारे पास यूजुअली सभी तरीके के जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टर्स वगैरह है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और जो मेन्यू है अगर आपको देखना है तो उसके लिए विजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। जी जी बिल्कुल, इस साइड हमारा लाइव किचन है, उधर चलते हैं। जी, तो अमन जी कुछ स्पेशल भी आपने सोचा है मतलब उपहार स्वीट्स के बारे में, बाकियों के कंपैरेटिव जो है ये अलग क्यों है? बाकी क्योंकि बाकी सबने भी रेस्टोरेंट खोले हैं, तो आपकी यूएसपी क्या रहती है कि यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखी गई आपने स्पेशली? एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली है जी, दूसरा ये है क्वालिटी जी, बिकॉज क्वालिटी जो है इजिली आपको बड़े रेस्टोरेंट्स में कम मिलती है जी, और वैरायटी नहीं मिलती यहाँ पे आपको, क्या वैरायटी भी मिलेगी, क्वालिटी भी है जी, और आपको सब कुछ लाइव दिख रहा है, सब कुछ कुकिंग देखिए सब कुछ लाइव है यहाँ। लाइव करने का पर्पस क्या रहा आपका कि ये सारा लाइव होना चाहिए? लाइव का पर्पस ही होता है, कोई भी लाइव किचन जो भी होती है वो हाइजीन बेस होती है जी जी, कि हाइजीन मेंटेन होती है, क्वालिटी मेंटेन, कस्टमर देख सकता है कि उसके लिए क्या बन रहा है, कुछ भी यहाँ पे वैसा फ्रोजन नहीं है, सब फ्रेश है जी, और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो अभी जो हम पूरा अगर सेटअप भी देखें तो सेटअप जो है आपने काफी यहाँ पर बेस जो है वो किचन सेटअप का ही लिया है, सामने अगर हम वॉलपेपर वगैरह भी देखें तो ये थीम जो है प्रॉपर एक फ्रेंडली होम एनवायरनमेंट टाइप आपने देने का प्रयास करा है यहाँ पर। जी, जी। तो यहाँ पर जो है हमारे सेगमेंट किस तरीके से है, मतलब जो पूरा सर्विंग का सिस्टम है वो कैसे होता है, कैसे लोग आते हैं, किस तरीके से है जो पूरा वर्कआउट यहाँ पर चलता है? इसमें दो तरह के मतलब हम लोग सर्विस स्टाइल होता है, एक तो होता है कि कुछ लोग काउंटर पे टोकन कटवा के बैठ जाते हैं, उनको सर्व हो जाता है जी, कुछ लोग वहाँ पे फैमिली जो आती है वो नॉर्मली ऑर्डर करके खाती है तो उनका ऑर्डर लिया जाता है और वहाँ पे उनका ऑर्डर कैशियर से थ्रू उनके पास किचन की टिकट आ जाती है और ये लोग सर्व कर देते हैं जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइजीन में काफी ध्यान दिया गया है क्योंकि आजकल ज्यादातर पेरेंट्स भी जो है सबसे पहले यही देखते हैं कि कैसे रेस्टोरेंट में जो है हम अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, क्या उनके लिए सही है या नहीं, और वैसे भी काफी ज्यादा बीमारियों के बाद तो अब और ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। अमन जी हाइजीन का किस तरीके से ध्यान रखते हैं क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो सबसे पहले पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएं, होटल में लेकर जाएं तो वहाँ पर पूरा घर जैसा माहौल हो एक तो, और वैसा ही जो है साफ और स्वच्छ खाना भी वहाँ पर मिले बच्चों को। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस टीम है जो इसको पूरा ध्यान देती है कि हम लोग डीप क्लीनिंग्स करें, साफ सफाई पे ध्यान दें और लोगों को स्वच्छ एकदम खाना सर्व किया जाए। तो ये हमारा जो खाना है कुछ भी फ्रोजन नहीं होता, ऑलरेडी प्रिजर्व नहीं होता, ये ताज़ा ही आप बनाते हैं, हम लोग फ्रेश एकदम बाय करते हैं और फ्रेश ही खिलाते हैं। हमने सुना है कि आपने बेकरी भी अपनी यहाँ पर जो है प्रोड्यूस की हुई है कि सारा सामान फ्रेश आता है वहाँ से? जी, हम लोग यहाँ पे बहुत प्रकार के बिस्किट्स बनाते हैं जी, उसके अलावा हम लोग केक्स बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, डेजर्ट्स बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं प्री ऑर्डर्स। अच्छा, तो जिस तरीके से हम शादी की फंक्शन की बात करें उस तरीके से भी आप सारा कर देते हैं? तो हम यूजुअली यहाँ पर अगर कुछ छोटा मोटा गैदरिंग है और यहीं पर कुछ डेकोरेशन टाइप भी अगर हमें करनी हो तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है? हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस हॉल में भी हम लोग बर्थडे पार्टीज करते रहते हैं जी, किटी पार्टीज करते रहते हैं, तो हमारे उसके लिए फिक्स मेन्यू भी है जी, और लोगों को पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू है और लोग मतलब हमारे लगभग एक महीने में हमारे 4-5 किटीज हैं और बर्थडे पार्टीज आई हैं। अमन जी सबसे पहला जो इशू आता है फैमिलीज को कि जो बुजुर्ग है वो कहीं ना कहीं शादी का पार्ट नहीं बन पाते या उनको दिक्कत आती है लेकर जाने में, क्योंकि अगर हम 3rd-4th फ्लोर की बात करें तो उसकी फैसिलिटी के बारे में आपने कुछ सोचा है? जी, हमारे यहाँ ऑलरेडी लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से चल के हर फ्लोर पे जाती है, हर फ्लोर से कनेक्टेड है जी, मतलब जिसको रेस्टोरेंट में आना है उसके लिए भी लिफ्ट है और जिसको बैंक्वेट में आना है उनके लिए भी लिफ्ट है, और ये 7-8 बंदे कैरी करती है एक बार में, और हमारी लिफ्ट जो है फंक्शन के दौरान ऑन रहती है और जितने भी बुजुर्ग लोग यंग भी आते हैं जी, जी, जी। हमने तो सभी के पर्पस से बनाई है, हमने खाली सीनियर सिटीजन को टारगेट नहीं किया, हमने तो सबके लिए बनाई है, कोई भी यूज कर सकता है
और हर फ्लोर से कनेक्टेड है। तो अभी हम बैंक्वेट में आ चुके हैं, तो बैंक्वेट आप देख सकते हैं काफी इनफ स्पेस है, स्टेज ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ की यूएसपी क्या है, कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरीके से जो है मैनेज करते हैं हम इसको? हम लोग 200 से 250 बंदों का फंक्शन करते हैं जी, और हर तरह के फंक्शन करते हैं। और हम लोग इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि 100-100 बंदों का होता है तो हम लोग पार्टीशन करके दो फंक्शन भी कर देते हैं जी। ये एक फ्लोर 200 बंदों को अकोमोडेट करता है और 100-100 की पार्टी हो तो दो फंक्शन भी हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीजें जो है हम कहें कि फैसिलिटीज क्या क्या ऐड हो जाती है, जिस तरीके से मैं फ्लोर और डीजे देख पा रही हूँ, तो ये सारा हमारा पूरा एक कॉम्बो में आ रहा है साथ जी, 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 इसमें डीजे जो है, इसमें डीजे भी आता है जी, और डीजे के अलावा हमारे लाइव कुकिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे हम लोग लाइव कुकिंग्स वगैरह होती है, जैसे खोमचे होते हैं जी जी, टिक्की, गोलगप्पा, दही बल्ले, डोसा, चिल्ला जी, और काफी चीजें हैं जो हम लोग लाइव किचन में देते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो फूड मेन्यू होता है वो हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, या जो भी पार्टी आ रही है उनको जैसा जैसा मेन्यू चाहिए? हमारे यहाँ जो है मतलब 3-4 तरीके का मेन्यू है, जो वेजिटेरियन मेन्यू है जी, जो ज्यादातर जो मैरिज के पर्पज से रोका और क्या बोलते हैं सगन के पर्पज से आते हैं उनके लिए है, और बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज और कॉर्पोरेट के लिए हमारा अलग मेन्यू है जी। तो यहाँ पर जो है कितनी गैदरिंग जो है आती होगी, क्योंकि अगर हम देखें राजेंद्रा पार्क ही नहीं, क्योंकि काफी लोगों की बहुत टाइम से डिमांड भी थी, काफी ब्रांड्स के भी यहाँ पर ओपन है, बट वो क्वालिटी नहीं मिल पाती लोगों को, या फिर हम कहें उतना इनफ स्पेस नहीं मिल पाता कि वो यहाँ पर पार्टी थ्रो कर सके या बैंक्वेट का कोई फैसिलिटी हो, ऐसा कुछ यहाँ आसपास नहीं था। अमर जी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी कितने लोगों की है जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं या आते हैं? देखिए यहाँ पे जो हम लोग हैं 200 से 250 बंदों की पार्टी करते हैं, हर तरह की पार्टी करते हैं, और मिनिमम जो है 50 से पार्टी स्टार्ट हो जाती है, 50 से लेके 250 बंदों तक की हम पार्टी करते हैं, और हम लोग पूरा गुड़गांव कवर करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग की पार्टी जो आती है कई जगह, हम लोग को जो अभी लास्ट टाइम इंडिया बुल से पार्टी थी, उससे पहले परसवानाथ से थी, उससे पहले हमारा ये जो है पारस से थी, तो काफ़ी जो है सोसाइटी से भी हम लोग आ रहे हैं, तो हमारे पास पार्टीज आ रही हैं, क्वेरीज आ रही हैं, और ये सीजन हमारा ऑलरेडी फुल है जी जी। तो पार्टीज के लिए कभी भी हम लोग ये कोई भी पार्टी हमारे पास आती है तो हम लोग डेट कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल चल रहे हैं जी जी जी। तो कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो है पहली पसंद उपहार स्वीट्स एंड बैंकवेट बनता जा रहा है अब जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं जी। अमन जी क्या कहेंगे आसपास की लोकेलिटी के लिए, जो है आपने पूरा सोच समझ कर जो है यहाँ पर हर एक चीज मैनेज करी, तो किस तरीके से लोग आपसे रابطہ कर सकते हैं या कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे? जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिए जाएंगे मैनेजर्स के, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी को बिल्कुल फॉलो अप करेंगे जी। और आप देखिए ये उपहार जो है लोकल एरिया में, राजेंद्र पार्क में ना कि पूरे लोकल एरिया में सबसे बड़ा बैंक्वेट रेस्टोरेंट और स्वीट्स है, और जो मतलब क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है, और जिसमें काफी चीजें हैं जो आपको बाकी जगह में नहीं मिलेंगी, यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन है और बैंकेटिंग सर्विस है, स्वीट्स है, बेकिंग है, तो एक ही हब में आपको काफी चीजें मिल रही है। तो यहाँ पर आज मेरे साथ आपने विजिट करा उपहार स्वीट्स एंड बैंक्वेट पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्नैक्स की बात करें, स्वीट्स की बात करें, इन हाउस जो है इनका बेकिंग सिस्टम रखा हुआ है, और जो शेल्फ लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ही जो है स्वीट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम बात करें कि वो चीज लगातार चलाई जा रही है, क्वालिटी मेजर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और गैदरिंग की भी अगर बात करें बैंक्वेट की, 200-250 तक जा रही है, अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इनका नंबर दिया जाएगा, और इन हाउस अगर आप यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए भी आना चाहते हैं तो 10 और 20 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, गैदरिंग आ रही है, तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पर 70 की सिटिंग ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल भी रहती है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी है, अगर बुजुर्गों को भी लेकर आना चाहते हैं, अगर फैमिली की बात करें, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी साथ में लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, जिससे कि सही में एक पूरा परिवार जो है एक फैमिली रेस्टोरेंट में यहाँ पर आ सकेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से विजिट करें उपहार स्वीट्स एंड बैंक्वेट्स पे।